सो गाइस, यहाँ पे मैं कृष्ण जन्माष्टमी का संध्या पूजा करने जा रही हूँ और चलिए आप लोग भी शामिल होइए हमारे इस जन्माष्टमी के ब्लॉग में। चलिए हम सब साथ मिलकर के पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने अच्छे से सज गए, मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा। अभी दिया बाती करने का टाइम हो गया है, तो चलिए दिया बाती करते हैं। जय श्री कृष्णा। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लवली प्रियंका में, जहाँ मैं बातें करती हूँ फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग। एंड गाइस, आज बहुत ही शुभ दिन है, आज कृष्ण जन्माष्टमी। पूरे देश भर में बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। अभी तो हालांकि लॉकडाउन और कोविड का चीज़ तो बिल्कुल ख़त्म नहीं है, बट त्यौहार और उत्सव तो चलते रहेगा। और ये हमारी ज़िंदगी के बहुत ही इंपॉर्टेंट से चीज़ हैं जिन्हें हम मिस नहीं कर सकते, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। तो अभी फ़िलहाल मैं जस्ट अभी नहा करके निकल गई हूँ और आज मैं बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मैं हर साल मनाती हूँ। हर साल मैं बचपन से ये चीज़ सेलिब्रेट करती आ रही हूँ। मैं अपनी मम्मी के घर में थी और मैं छोटी थी, तब मेरे पेरेंट्स वगैरह बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते थे और आज मैं कर रही हूँ। तो ये त्यौहार इस बार मैं अकेले मना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं हैं घर पर, वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, तो मैं अकेली ही त्यौहार सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो आप तो है ना, तो इस ब्लॉग के साथ आप कंटिन्यू। गाइस, अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है और 6 बज चुका है, तो मुझे जाना है पूजा करने के लिए। घर में ही पूजा करना है, तो तैयार होना है और उसके बाद फिर पूजा मैं शुरू करूँगी। तो आज मैं गाइस यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने जो आप लोगों के साथ आउटफिट शेयर किया था, सेम वही आउटफिट मैं पहनी हूँ। बस चोकर मैंने मोरपंख वाला ना पहन करके ये वाला चोकर पहना है और इसके साथ बहुत सुंदर से इयररिंग वगैरह दिया है। इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है और बस लाइट सा मेकअप मैंने किया है, बहुत लाइट सा मेकअप किया है और ट्रेडिशनल रिचुअल अंदाज में मैंने बालों को इस तरीके से बनाया है। बिकॉज बहुत गर्मी है अभी, तो इस तरीके से मैंने अपना गेटअप रेडी किया है। बैक कैमरे से मैं अपना फुल लुक आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। तो अब टाइम होता है पूजा की तैयारी करने का। तैयारी तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए फिर। सो गाइस, यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल ये पालने में, ये पिछले 4 सालों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से अब डेकोरेशन स्टार्ट कर दी हूँ। इस तरीके से ये मोर पंख लगेगा। यहाँ पे मैंने श्री राधे सिंदूर से बनाया है और फिर यहाँ पे मैं पंचमुखी दिया डालूंगी और फूल वूलों को डाल करके मैं यहाँ पे ये सेटअप अपना रखूँगी। यहाँ पे मैं बहुत प्यारा सा एक ये मुकुट लेके आई हूँ और ये मैं राखी से ही माला बनाऊँगी। ये बहुत रक्षाबंधन का राखी है ये मेरे सिस्टर इन लॉ ने भेजा था, बट इस बार राखी बहुत लेट पहुंचा तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई। तो मैं सोची कि इस राखी को ही मैं कृष्ण भगवान का माला बनाऊं और इसका अच्छा यूज़ हो जाएगा। साथ ही साथ आप ये मोरपंख देख रहे हैं, ऐसे मोरपंख मैं लेकर के आई हूँ और ये मुकुट, तो ये शाम को सारा वस्त्र वगैरह मैं पहनाऊँगी। किचन में यहाँ पर साबुदाने की खीर बन रही है, राधे बनाया है लिखा हुआ और ये मेरे लड्डू गोपाल। करूँगी यहाँ पे और ये सब चीज़ें हैं जो भगवान जी को मुझे भोग लगाना है शाम की पूजा के लिए। मिश्री, ये क्या होता है, रसगुल्ला बोलते हैं, ये पनीर है और ये पेड़ा वगैरह है। इन सबको क्लीन करना है मुझे, सारे फलों को मुझे क्लीन करना है। सारे फलों को क्लीन करके अच्छे से ऑलरेडी मैं इसको साफ तो कर ही चुकी थी, उसे कर देना सही से। वो गाइस यहाँ पे सारे फल वगैरह क्लीन हो गए हैं। मेरा एक काम, शाम को बहुत सारा काम हो जाता है, तो एटलीस्ट मेरा यही तो सारा काम मेरा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे मैं एक जगह इकट्ठा करके रख देती हूँ यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ पे मैं कृष्ण जन्माष्टमी का संध्या पूजा करने जा रही हूँ
और चलिए आप लोग भी शामिल होइए हमारे जन्माष्टमी के ब्लॉग में। चलिए हम सब साथ मिलकर के पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने बैक कैमरे से आप लोगों को दिया बाती करने का टाइम हो गया, तो चलिए दिया बाती करते हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सो गाइस, पूजा पाठ वगैरह सब बहुत अच्छे से हो गया और अब रात के 12 बजने वाले हैं, तो 12 बजे आरती वगैरह मैं अभी जस्ट मैं करके आप लोगों के पास ही आ रही हूँ। और आप सबका भी उम्मीद करती हूँ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव बहुत अच्छे से गया होगा। भगवान आप सब पे अपनी आशीष अनुकंपा कृपा बना के रखे। और मैं प्रियंका आप लोगों से इजाज़त भी लेती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। तो भी मेरा जगा हुआ है। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया। रात के 12 बजे जब पूजा अर्चना कृष्ण भगवान को भोग प्रसाद लगाने के बाद मैं इसी बेरा से अपना व्रत खोली हूँ और
गाइज अब मैं जा जल्दी ही मिलती हूँ मेरे घर में बनाया है मेरी नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिए और चलिए साबुदाने का खीर बनाए इसे प्रणाम करके मैं अपना व्रत खोलूंगी।